एवरीबडी, क्या हाल चाल है? दिस इज एस पंडित हेयर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल। ये वीडियो मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इस टाइप के वीडियोज आपको दे रहा हूँ और आप लोग सीख रहे हो चीज़ें, समझ रहे हो चीज़ें। जो भी मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ, बनाने का मेरा एक ही पर्पस है कि जितना कुछ मुझे आता है, जो मैंने सीखा है अपने पिछले 8-9 साल के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है, वो आप तक पहुँचाऊँ। और मैं रिसर्च करता रहता हूँ, न्यूज़ ट्रैक रखता हूँ, भाई कौन से शेयर्स कौन सा मार्केट में क्या ऊपर नीचे होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों का टाइम बचाने की और आपको एनालिसिस देने की कोशिश करता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि भाई आप इस कैटेगरी की चीज़ों को कंसीडर कर सकते हो, इन पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हो जब भी आप किसी स्टॉक को मल्टीबैगर स्टॉक मानना चाहते हो। मल्टीबैगर का स्टॉक का मतलब होता है अभी कम प्राइस पे है बट लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। जो अभी 50, 60, 70, 100, 125 के प्राइस पे आप खरीदोगे, वो आने वाले कुछ साल में हो सकता है 1000, 1200, 1500 तक पहुंच जाए, उसको हम मल्टीबैगर स्टॉक बोल सकते हैं। मतलब रिटर्न हमें मल्टीपल टाइम्स बढ़ा के देता है। आज के जो स्टॉक है, स्टॉक का नाम बताने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, हमारा एक कैटलिस्ट इन्वेस्टर का ग्रुप है टेलीग्राम में, कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स करके 1.5 लाख से ज़्यादा उसमें एक्टिव मेंबर्स है और बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर्स है क्योंकि हम लोग जब भी कोई चीज़ अपडेट करते हैं, जब भी कोई चीज़ बताते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है आप लोगों की तरफ से। पोल वगैरह हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं, आपको अपडेट्स देते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, एनालिसिस देते रहते हैं। जैसे अभी वॉर का टाइम चल रहा है तो अभी रिसेंटली हमने आपको कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर्स बताए थे जहाँ पर आप देख सकते हो जो वॉर में ज़्यादा आपको रिटर्न दे देंगे। इस तरीके की चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं। और मैं आने वाले टाइम पर एक क्रिप्टो करेंसी में चार्ट पढ़ने का मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिससे आप, मैं बता रहा हूं, 99% सटीक पकड़ोगे कब क्रिप्टो में पैसा डालना है, कब क्रिप्टो में पैसा निकालना है। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, लिंक पहले वाले कमेंट में मिल जाएगा। टोटली फ्री है, कंप्लीटली फ्री ग्रुप है और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी वहां पूरी एक्सपर्ट टीम है जो आपको अपडेट देती रहती है। आज के स्टॉक की बात करेंगे, आज के स्टॉक की सबसे पहले क्वालिटीज की बात कर लेते हैं जिसने मुझे इस स्टॉक को मल्टीबैगर मानने के लिए फोर्स किया है। पहली चीज यह है, इनका लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है वो 1800% है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिसर्च बोल रही है। अगर हम किसी भी न्यूज को खोलेंगे, मान लो मैंने फॉर एग्जांपल अभी आपको ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे दिखी हुई है, ये सब चीजें मैं न्यूज के आधार पे आपको बताऊंगा, जो न्यूज अच्छे अच्छे न्यूज पेपर्स में निकली है तो उनके बेस पे ही मैं ये चीजें निकाल रहा हूँ जो एक्चुअल में हुआ है। दूसरा, इनको जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 200% इंक्रीज किया है, मतलब कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट का मतलब समझते हो, उन्होंने फालतू चीजें हटाने के बाद जो उनके पास बचता है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। तो नेट प्रॉफिट अगर अच्छा जा रहा है, इसका मतलब कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी सक्सेसफुल है, लॉस में नहीं है कंपनी, प्रॉफिट कमा रही है कंपनी। अगर आप टैक्स डिडक्शन भी कर दोगे उसके बाद भी कंपनी के पास पिछले साल के मुताबिक जो नेट प्रॉफिट है बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब 893.76 लाख इनका पिछले साल था टैक्स डिडक्शन सारे हटाने के बाद, और अभी इनका 2822 लाख, इतना इनका जो नेट प्रॉफिट है वो इनके पास प्रेजेंट है। इसमें एच और लगा देना, लाख लिखा हुआ है, ये कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग छोटी मोटी मिस्टेक है, दिल पे मत लेना। तो इसका मतलब कहने का है कि भाई इनका नेट प्रॉफिट जो है बहुत हाई लेवल पे, बढ़िया लेवल पे इंक्रीमेंट हो रहा है और हमें लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 1800% देखने को मिलता है। इनका जो नेट रेवेन्यू है वो भी हमें 17.77% इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और कंपनी ने अपना जो डेट है, जो इनके ऊपर लोन थे, जो इन्होंने डेट ले रखा था, वो भी 1041.5 मिलियन रिड्यूस किया है। ऑब्वियसली बात है ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये ग्रो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले अपने लोन उतारेंगे। आप लोग जब कोई चीज़ खरीदते हो, आपने मान लो एक घर खरीदा और आपके पैसे एकदम बढ़ गए, आप अर्न अच्छा करने लगे, तो आप सबसे पहले यही सोचोगे ना मेरे सर के ऊपर से बोझ उतरे। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ें मैंने ग्रुप में ये भी सजेस्ट किया था वो टेलीग्राम ग्रुप में जो कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स का है, कि आप लोग कभी भी लोन मत लेना, एटलीस्ट 30 से पहले, 30 साल की उम्र से पहले लोन में कभी मत जाना, वरना एक बहुत बड़ा बोझ आपके सर पे आ जाता है। उसके बाद लोन कैसे लेना है, क्यों लेना है, उसकी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लोन भी कब लेने से फ़ायदा होता है वो मैं आपको समझाऊंगा आगे जब भी हम और उस पर बात करेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल पे एक्टिव रहना है और ग्रुप पे भी एक्टिव रहना है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मुझे इस पर्टिकुलर शेयर को मल्टीबैगर साबित करने में सपोर्ट करती है। शेयर का नाम है सिंधु ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड। इसकी अगर हम बात करते हैं, सिंधु ट्रेड लिंक्स जो ये कंपनी है, इसका जो शेयर है, अगर हम इकोनॉमिक टाइम्स की बात करें, इकोनॉमिक टाइम्स अच्छा मार्केट है, मतलब अच्छी स्ट्रेटेजी यहाँ पे देता है जो न्यूज़पेपर है, अगर हम इसकी बात करेंगे मार्केट की, यहाँ पे पूरी एनालिसिस आपको मिल जाती है। इनका जो रिटर्न इनके हिसाब से है वो 5 साल का रिटर्न ये जो बता रहे हैं ये 6458.02% है, मतलब बहुत ही सॉलिड है। अगर हम 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे जो मैंने 1800 बताया था, वो यहाँ इकोनॉमिक टाइम्स ने मेंशन किया हुआ है और आप स्क्रीनर खोल के भी देखोगे तो आपको मिल जाएगा सिंधु ट्रेड लिंक्स का।
थ्री मंथ का रिटर्न 110% है, वन मंथ का रिटर्न 43% है, इसका मतलब ये अच्छा है। और स्टॉक मार्केट के अंदर वन वीक और वन डे का रिटर्न हम कंसिडर करते नहीं है। इसका जो अभी शेयर प्राइस है वो मार्केट क्रैश मार्केट गिरने की वजह से कम मिल रहा, कम पे जा रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल जाएगा 132.80 का प्राइस जो कि अभी इसका चल रहा है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि भाई इसका रिटर्न है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है और ये कंपनी ग्रो होती दिख रही है। दूसरा, इन्होंने जो प्रॉफिट बुक किया है, नेट प्रॉफिट बुक किया है, वो भी न्यूज़पेपर से हम पढ़ के न्यूज़ निकाल सकते हैं कि डेट फ्री होने की तरफ ये बढ़ रहे हैं और 200% इनका प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ है। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले अपना लोन उतारने की कोशिश करी है, मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें हमें इस कंपनी को एक तरीके से सपोर्ट देती है कि भाई ये कंपनी अच्छा काम कर रही है। स्क्रीनर पे अगर हम आ जाते हैं तो वही 133 रुपए के आसपास का इसका वो चल रहा है। आगे आते हैं, ये इसका कुछ ग्राफ है। अगर हम पिछले साल देखेंगे तो 7 रुपए से स्टार्ट हुआ था और अभी आप देखोगे तो 132 रुपए है। तो मेरा जो कहना है मल्टीबैगर वाली बात, वो मल्टीबैगर वाली बात यहां पे मुझे कहीं ना कहीं साबित होती दिख रही है। तो मुझे ऐसे एक्सपेक्टेशन है ये और ऊपर जा सकता है, दमदार है। तो मतलब जिसने 7 रुपए लगाए होंगे पिछले साल उसका 132 रुपए बन चुका है। इमेजिन करो, मैं नहीं बोल रहा, ये ग्राफ बोल रहा है, ये कंपनी का ट्रेंड बोल रहा है। अब लोग मुझे बोलते हैं सर आपको कैसे पता लगता है? मुझे ऐसे पता लगता है क्योंकि मैं मार्केट में एक्टिव रहता हूं, मुझे पता लगता है कि भाई ये शेयर्स हम पकड़ सकते हैं, इन शेयर की हम एनालिसिस कर सकते हैं। बट अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट एनी रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दीज आर द कैटेगरीज, दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज और कंसीडर अ स्टॉक टू बी अ मल्टीबैगर स्टॉक। यू हैव टू बी एक्टिव, यू हैव टू जस्ट स्टडी, आपको न्यूज वगैरह एनालाइज करनी पड़ेगी, आपको मार्केट में देखना पड़ेगा, कंपनी के सेक्टर पकड़ने पड़ेंगे, कौन कौन सा सेक्टर है जहां पे कंपनी हमें सेलेक्ट करनी है। सेक्टर सेलेक्ट करने का मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है। आगे बात करते हैं कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स की बात करोगे, लॉजिस्टिक की कंपनी है, ट्रांसफर्स की कंपनी, इधर उधर जो मूवमेंट करते हैं, तो एक ऐसा काम है जो जैसे ही कोविड का टाइम थोड़ा सा भी बेटर होता है, कोविड के टाइम पे भी इनका काम अच्छा था एक्चुअली, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उस टाइम पे भी जो बेसिक चीज थी जो लॉजिस्टिक का काम था वो चल ही रहे थे। तो यहाँ पे आपको इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक होता हुआ दिखता है, 77 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो कंपनी इज समथिंग विच इज फाइन, आप इसकी एनालिसिस कर सकते हो। ये देखो यहाँ भी अगर आप इसका रिटर्न देखोगे तो 1 ईयर का रिटर्न हमें अच्छा दिख रहा है। ओवरऑल आप देखोगे 17-1800% का आपको रिटर्न यहाँ पे दिखता है। जब भी हम किसी मल्टीबैगर स्टॉक की बात करते हैं, चीज समझो, इस चीज़ को आप अच्छे से समझने की कोशिश करो, मल्टीबैगर स्टॉक की जब भी हम बात करते हैं वो स्टॉक हमेशा मल्टीबैगर साबित हो सकता है जिसका सेक्टर ऐसा हो जो सेक्टर बाकी सारे सेक्टर्स से रिलेटेड हो, कनेक्टेड। लॉजिस्टिक एक ऐसा पार्ट है जो बाकी सारे सेक्टर्स को जोड़ता है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे आपको सेक्टर्स बताए हैं, कोई एक ऐसा सेक्टर जिसपे बहुत सारे सेक्टर डिपेंडेंट होते हैं वो सेक्टर ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद उस सेक्टर में अगर उस कंपनी ने ग्रो किया, इसका मतलब वो कंपनी काम अच्छा कर रही है, काम अच्छा कर रही है, तो हम उसका प्रॉफिट देख रहे हैं, उसका रिटर्न दे रहे हैं। तो हम तो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तो रिटर्न चाहिए, और हमें रिटर्न मिल रहा है तो इट इज फाइन। दीज आर द थिंग्स विच यू कैन कंसिडर फॉर एनी स्टॉक टू बी मल्टीबैगर स्टॉक, बट दिस स्टॉक इज एक्चुअली गुड। एंड ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो सिमिलर आप रिसर्च करके एनालाइज करके निकाल सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा सा न्यूज में एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। और हमेशा मैंने बोला है इन्वेस्टमेंट या फिर लर्निंग्स जो होती हैं वो हमेशा पहले सीखो फिर इन्वेस्ट करो, लर्न देन अर्न। और उसके लिए आपको दिए हमारा टेलीग्राम फ्री ग्रुप है, ये चैनल है, एक्टिव रहो। और जो भी क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन आता है, आपको लगता है कि सर ये स्टॉक भी हो सकता है क्या, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो और अपने सजेशंस दे सकते हो। कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन आता है, डायरेक्टली पूछ सकते हो। हमारी क्लासेस जो चल रही हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 1000 रुपये में हम लोग पूरा 0 to एडवांस लेवल तक सिखा देते हैं। उस सब चीज़ों के लिए आपको पहला वाला कमेंट का जो लिंक है उस पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, आप समझ सकते हो। बाकी ग्रुप जो है वो पूरा फ्री है, आपको जो भी डेटा जो भी अपडेट्स मिलेंगे टोटली फ्री मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तो खुश रहो, मस्त रहो, ऐश करते रहो, दिमाग लगाते रहो, पैसा घुमाते रहो और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते रहो, क्योंकि उसके बिना, आशीर्वाद के बिना आप कभी आगे जा ही नहीं पाओगे।